आप सभी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाजार की ओर ये तवा जो हम कल खाना वगैरह मैंने भी खा लिया है। तो दोस्तों, बारिश बड़ी जबरदस्त हुई है और फिर दोबारा शुरू हो गई है। बदल दिया जिस बात बदल दिए दिन बदल दिए आज का दिन बदल दिया दोस्तों बारिश ने। अब मौसम खुल जाएगा, अभी तो हो ही रही है दोस्तों। बारिश का मजा रहा ये है, बारिश हो गई जबरदस्त, अभी दोबारा शुरू हो गई। रुकी विधि दिखाते हैं आपको। नहीं अभी नहीं बैठे हुए, एक बैठा हुआ है, देखता हूँ। देखो दोस्तों जबरदस्त तरीके से हो रही है बारिश, लाइट गई भी है, हल्का हल्का कोहरा सा भी लग रहा है। बारिश पुल से भी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भोले की। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मौसम, कल रात से बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बारिश रुकी ही नहीं है, 5-10 मिनट के लिए रुकी होगी और बारिश हो रही है। देखिए हमें भी देख रहे होंगे आप, छाता लेके जा रहे हैं और मौसम बड़ा बढ़िया, आज लगता है पूरे दिन बारिश होगी। चलते हैं जरा बाजार की ओर। जरा चलते हैं बाजार की ओर। वाह भयंकर बारिश तो रुक गई, धूप भी चली गई, अब हवा चल रही है जबरदस्त। चलते हैं मार्केट की ओर पहले, फिर चलेंगे आगे। हवा भयंकर चल रही है, बहुत जबरदस्त, जो टोपी पहन ली, जैकेट पहन ली, बहुत बढ़िया हवा। मौसम तो साफ है पर हवा जबरदस्त। अच्छा हाँ नहीं वो तो है ना, ये और क्या। मैंने आज सुबह तो देखा था आपको। हाँ सुबह मैं तो आगे की तरफ चलते हैं, धूप निकलने को हो रही है, फिर चली जा रही है, धूप निकलने को हो रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे मार्केट में भी नहीं गया था, मैंने कहीं बारिश बारिश आ जाए, पर यह है कि वैसे सही है, घूमने वाला मौसम हो रहा। और देखते हैं पीछे दिख रहा होगा, मौसम तो साफ है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं फिर ज़रा। मौसम ने मज़े दिला दिए दोस्तों, आज मज़ा आ गया, उसी में ही चलते हैं। और ये देखो कैसे ला रहे हैं, एक टेम्पो ख़राब हो गया मुझे लग रहा है, दूसरा ला रहे हैं। देखिए कैसे चला रहे हैं, जुगाड़, हिंदुस्तान के जुगाड़ तो बहुत सारे यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारी गायें, पता चल शुरू हो गया। मेरे को लगता है पतझड़ भी शुरू हो गया। लड़के क्या कर रहे हैं, अच्छा पतंगबाजी, ओहो पतंग के लिए पतंग, पतंग लूट रहे हैं। चलो सही है सही है, पतंग बसंत आने वाला है ना, यहाँ बसंत में पतंगें उड़ती हैं दोस्तों। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के शहर में कब कब पतंगें उड़ती हैं, यहाँ बसंत में उतरती हैं पतंगें, उड़ती हैं मतलब। एक मंदिर इस वाली गली में भी है दोस्तों, लेकर चलेंगे आप लोगों को। यही मंदिर हुआ करता था पहले हमारे यहाँ पर, अब ये बीच में रास्ता बंद हो गया ये जब से, तो तब से आना थोड़ा, नहीं तो पहले यही मंदिर हुआ करता था पुराना। घर की तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही है, भयंकर वाली,
मौसम तो साफ है, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, तो क्या पता बारिश ही ना आ जाए, इसलिए मैं आ गया वापस। फिर मैंने ना फिर आगे फिर बाइक से ही जाएंगे, ठीक है, आया था पैदल गए थे, आ गए वापस। दोस्तों यहाँ हो रही है चाय की तैयारी और चाय मम्मी बैठी हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग अब चाय बना रहे हैं। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, पर माता श्री और पिता श्री जी के लिए हम चाय बना रहे हैं, और पिता श्री को एक ये भी हमारे पसंद है, तो हमने ये भी बना दिया है पिता श्री के लिए, तो पिता श्री ये खाएंगे चाय के साथ, डुबो डुबो के चाय में। ये तवा जो हम कल लाए थे, आज ये देखो कैसा हो गया, और चाय हमने उबाल दी है, चाय में चाय पत्ती डालना तो भूल ही गए हैं हम, चाय में चाय पत्ती डालना ही भूल गए दोस्तों, अब चाय में चाय पत्ती डालना है। ये दोस्तों चाय पत्ती बताओ, चाय में चाय पत्ती डालना भूल गए, दूध उबल गया, बताओ दोस्तों क्या हाल हो रहा है। देखो अब डालिए चाय में चाय पत्ती। तो दोस्तों यही है बाहर का मौसम, ये हो रहा है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है, ये देखो ठंड जबरदस्त हो रही है बाहर, बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। खाना वगैरह मैंने भी खा लिया है, आज दाल भात खाने में बना था, आज दाल भात और हमने भी खा के खत्म कर दिया है खाना। अब हम चाय पलट के और चाय दे देते हैं घर वालों को, तो ठीक है अब मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी सी देर। पिताजी को जो पसंद है मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ, पता नहीं इन्हें पसंद कैसे आया है ये, मैं तो ज़्यादा ये खाता नहीं, पर आज मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि इन्हें कैसे पसंद है, ये हम भी टेस्ट करके देख लेते हैं। चाय पी लो। देखते हैं दोस्तों हम भी टेस्ट करके, पता नहीं बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा। बढ़िया सही है। ये करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। मैं पंकज डोलागंडी आप लोगों से लेता हूँ इस ब्लॉग में अलविदा, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।